हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पांच ऐसे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में जो कि आता है सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फैमिली मेंबर 4 से 5 लोगों का है तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक 11,000 के रेफ्रिजरेटर के बारे में भी बताया हूँ जो कि काफी अच्छा रेफ्रिजरेटर है। अगर आपका बजट 11,000 का है तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे लिस्ट का सबसे पहला रेफ्रिजरेटर है दोस्तों सैमसंग की तरफ से आने वाला 183 लीटर का 3-स्टार डिजिटल इन्वर्टर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस रेफ्रिजरेटर में आपको क्या क्या फीचर्स दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपको डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दिया गया है और इसके साथ साथ इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया गया है जो कि आप बिना स्टेबलाइजर के इस रेफ्रिजरेटर को आप आसानी से चला सकते हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके बॉडी क्वालिटी के बारे में जो कि इस रेफ्रिजरेटर का बॉडी क्वालिटी काफी ही मजबूत दिया गया है और इसके साथ साथ इसमें लेदर कोटेड बॉडी भी दिया गया है जो कि इन फ्यूचर कभी करंट लगने का कोई भी इश्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, आपको पहले ही मैं बताया हूं कि ये 3-स्टार रेफ्रिजरेटर है। इसका बिजली कंजप्शन 168 यूनिट पर ईयर है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके टफिन ग्लास के बारे में जो कि काफी हैवी दिया गया है। इसमें आप 150 kg तक का लोड दे सकते हैं जो कि वाकई में काफी मजबूत इसका टफिन ग्लास दिया गया है। और बात कर लेते हैं इसके वेजिटेबल बॉक्स के बारे में। इसका वेजिटेबल बॉक्स भी काफी बड़ा दिया गया है जो कि आप इसमें 12 से 15 केजी तक का आप इसमें वेजिटेबल स्टोर करके रख सकते हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके आइस मेकिंग टाइमिंग के बारे में जो कि इसका टाइमिंग 1 घंटा में आइस बना के दे देता है ये फ्रिज। ओवरऑल देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेटर काफी बेस्ट है अपने प्राइस के अनुसार। इसका प्राइस आता है सिर्फ 15,000 रुपए में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर में आपको 20 साल का वारंटी मिलता है जो कि कंप्रेसर का और 1 साल का फुल बॉडी का वारंटी दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट जाके इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर सकते हैं जो कि काफी बेस्ट रेफ्रिजरेटर है। अब हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर का रेफ्रिजरेटर है दोस्तों वर्लपूल की तरफ से आने वाला 184 लीटर का 3-स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर में भी वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि 15,000 के रेफ्रिजरेटर में हमें मिलना चाहिए। इसका भी कैपेसिटी आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि 184 लीटर का है और इसका फ्रीजर का कैपेसिटी भी आपको 14.3 लीटर का मिलता है। यह रेफ्रिजरेटर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है जो कि आप बिना स्टेबलाइजर के आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होता क्या है। अगर आपके एरिया में 130 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है तो आप बिना स्टेबलाइजर के भी आप इस रेफ्रिजरेटर को चला सकते हैं। और अगर आपके एरिया में वोल्टेज का ज्यादा प्रॉब्लम होता है यानी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ऊपर और नीचे होता है, तो आप प्लीज स्टेबलाइजर के साथ ही इन रेफ्रिजरेटर को चलाएं। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं और क्या क्या फीचर्स मिलता है आपको इस रेफ्रिजरेटर में। इसमें आपको एक लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है जो कि आप इसमें 15 केजी तक का वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नीचे के साइड में आपको एक ड्रॉ दिया गया है जो कि आप उसमें आलू प्याज रख सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में आपको बड़े बोतल रखने का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि आप 2 से 3 लीटर तक का बोतल आप इसमें स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया हूं कि ये रेफ्रिजरेटर 3-स्टार के साथ आता है तो इसका बिजली कंजप्शन 170 यूनिट पर ईयर आने वाला। और बात कर लेते हैं इसके टफिन ग्लास और बॉडी क्वालिटी के बारे में। तो इसका भी बॉडी क्वालिटी काफी बेस्ट और काफी मजबूत दिया गया है और टफिन ग्लास भी काफी हैवी दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेटर भी काफी बेस्ट है अपने प्राइस के अनुसार। इसका प्राइस आता है मात्र 14,599 रुपए में। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें आपको 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी और 1 साल का फुल बॉडी का वारंटी मिलता है वर्लपूल कंपनी की तरफ से। तो ये रेफ्रिजरेटर भी देखा जाए तो काफी बेस्ट है। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर का रेफ्रिजरेटर है दोस्तों गोदरेज की तरफ से आने वाला 180 लीटर का 4-स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर में भी वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि 15,000 के रेफ्रिजरेटर में हमें मिलना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गोदरेज एक ऐसा कंपनी है जो कि गैस जो फ्रिज में डाला जाता है वो खुद से बनाता है और बाकियों के कंपनी को भी यही अपना गैस देता है जो कि सारे कंपनी गोदरेज का ही गैस यूज करके अपना रेफ्रिजरेटर को बेचते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि ये अपने प्रोडक्ट को काफी इनहेंस करके अपने कस्टमर तक पहुंचाता होगा और इन फ्यूचर कोई इसमें इशू ना आए
रहा है इसके लिए खास ध्यान रखता होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस रेफ्रिजरेटर में आपको क्या क्या फीचर्स दिया गया है। इसमें आपको फ्रीजर का कैपेसिटी 16.5 लीटर का मिलता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टफिन ग्लास के बारे में जो कि काफी हैवी दिया गया है, और इसके साथ साथ इसका वेजिटेबल बॉक्स भी काफी बड़ा दिया गया है जो कि आप 15 किलो से भी ज्यादा आप इसमें वेजिटेबल को स्टोर कर सकते हैं। टफिन ग्लास के बारे में बात करें तो इसका टफिन ग्लास भी काफी हैवी दिया गया है जो कि आप 120 केजी तक का आप इसमें वजन रख सकते हैं। बॉडी क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो इसका बॉडी क्वालिटी भी काफी मजबूत दिया गया है, और इसके साथ साथ इसमें आपको लेदर कोटेड बॉडी भी मिलता है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि ये रेफ्रिजरेटर 4 स्टार के साथ आता है जो कि इसका बिजली कंजप्शन 149 यूनिट पर ईयर है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये रेफ्रिजरेटर भी काफी बेस्ट है अपने प्राइस रेंज के अनुसार। इसका प्राइस आता है सिर्फ 14,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 से भी कम है तो आप इसे 14,000 में परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 1 साल का प्रोडक्ट का वारंटी और 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी गोदरेज की तरफ से मिलता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे आप परचेस कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट के 4th नंबर का रेफ्रिजरेटर है दोस्तों वर्लपूल की तरफ से आने वाला 184 लीटर का 2-स्टार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रेफ्रिजरेटर के बारे में बताऊंगा जो कि आप सिर्फ 10 से 11,000 के रेंज में आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर वही है जो कि आप इसे मात्र 11,500 रुपए में परचेस कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपको 11,500 रुपए में क्या क्या फीचर्स मिलता है इस रेफ्रिजरेटर में। इसमें आपको फास्ट आइस मेकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें आपको हनीकॉम्ब लॉक इन टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जो ये वेजिटेबल बॉक्स में होता है। इसमें आप आसानी से वेजिटेबल रख के आप इसे लॉक कर सकते हैं, और कभी लाइट कट जाता है तो ये वेजिटेबल को काफी मॉइस्चराइज रखता है। तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है इस रेफ्रिजरेटर में, हालांकि इन सारे रेफ्रिजरेटर में ये ऑप्शन दिया गया है। इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का ऑप्शन दिया गया है, और इसका टफिन ग्लास भी काफी हैवी दिया गया है जो कि आप 150 केजी तक का वजन रख सकते हैं। बॉडी क्वालिटी की भी बात करें तो बॉडी क्वालिटी भी काफी मजबूत दिया गया है। और बात कर लेते हैं इसके वारंटी के बारे में, तो इसका वारंटी आपको 10 साल का कंप्रेसर का और 1 साल का फुल बॉडी का वारंटी मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेटर काफी बेस्ट है उन लोगों के लिए जिसका बजट 10,000 से 11,000 के बीच में। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट के 5वें नंबर का रेफ्रिजरेटर है दोस्तों LG की तरफ से आने वाला 185 लीटर का 4 स्टार इन्वर्टर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर 15,000 के बजट से बाहर में आता है, यानी ये आपको 16,000 के रेंज में मिल जाएगा। अगर आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस रेफ्रिजरेटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी दिया गया है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो इसमें आपको 150 यूनिट पर ईयर एनर्जी कंज्यूम होने वाला है, और इसके साथ साथ इसमें भी आपको वर्क विदाउट स्टेबलाइजर यानी बिना स्टेबलाइजर के भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके बॉडी क्वालिटी के बारे में, तो इसका भी बॉडी क्वालिटी काफी मजबूत दिया गया है और लेदर कोटेड बॉडी क्वालिटी मिलता है इसका। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेटर भी काफी बेस्ट है। इसमें आपको 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी और 1 साल का फुल बॉडी का वारंटी मिलता है LG कंपनी की तरफ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेटर भी काफी बेस्ट है अपने प्राइस के अनुसार। इसका प्राइस आता है मात्र 16,000 रुपए में। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि आप वहां से परचेस करते हैं तो हमें फाइनेंशियली काफी सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे Facebook पेज को भी फॉलो नहीं किए हैं तो Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।